मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिली है। हालांकि वाहनों की बिक्री से सभी कंपनियां खुश नहीं हैं। बाजारों में भारी उठापटक के बीच मारुति कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ वाहनों की बिक्री की है। मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिल गई। कुल मिलाकर मारुति कंपनी द्वारा जो रिकॉर्ड तोड़ वाहनों की बिक्री की गई है, उससे एक नई बात सामने आ रही है कि पिछले 3-4 महीनों से ऑटो सेक्टर में जो जबरदस्त मंदी का दौर था, इससे ऑटोमोबाइल कंपनियां चिंतित नज़र आ रही थीं और उन्हें कई यूनिट में ताला लगाना पड़ा था। साथ ही कर्मचारियों की भी छटनी करनी पड़ी थी, लेकिन इसी बीच मारुति कंपनी के लिए दिवाली बेहद लकी साबित हुई। हर साल की अपेक्षा मारुति कंपनी की बिक्री में 7 से 10% का उछाल आया है। जानकारी में कंपनी की तरफ से बताया गया है कि पिछले महीने अक्टूबर में कारों की बिक्री में 4.5% का उछाल आया है। कंपनी ने बाजार में इस साल 144,277 कारों की यूनिट बेची। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिछले साल कंपनी ने 138,100 यूनिट बेची थी। उछाल के पीछे कारण यह है कि इस साल कंपनी ने बहुत सारे ऑफर्स लोगों को दिए, जिसकी वजह से सोने से ज़्यादा उछाल कारों की बिक्री में देखा गया। सीजन में ऑटो सेक्टर कंपनियों की नवरात्र और दशहरे के बीच 7 से 10% तक की बिक्री पड़ी। वहीं देश की तीसरे नंबर की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने भी धनतेरस पर बिक्री में 100% का उछाल दर्ज किया। बताया जाता है कि नवरात्र से लेकर दशहरा तक मारुति सुजुकी ने 60,000 से ज़्यादा कारों की डिलीवरी की है। वहीं हुंडई मोटर ने 25,000 कारों की डिलीवरी की और मारुति कंपनी ने धनतेरस पर 45,000 कारें डिलीवर की और हुंडई का यह आंकड़ा 14,000 कारों का रहा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।